Hey, hello my dear students, how are you all? I hope from you are very well and happy at your home. If you have any problem, you can ask me anytime without any hesitation. Okay, my dear students? Okay, let's start today's chapter. It is your poem from chapter number 6, The Recycle Wrap. Okay, in the last session, we have explained this poem only one para, and today we are going to explain more and next para. So let's start, don't waste the time and come on the poem. So come at your page number 51. Okay, The Recycle Wrap, written by John Foster. Okay, The रिसाइकलिंग रैप रिटन बाय जॉन फॉस्टर. तो कल बच्चों आप लोगों ने इसकी ऑडियो जो बनाकर भेजी थी मेरे को बहुत अच्छी लगी. थैंक्स फॉर योर कॉपरेशन एंड गुड. ओके, नेक्स्ट पैरा, कम ऑन एंड फर्स्ट वी कैन रिपीट इट वन टाइम दिस पोएम. लिसन टू मी चिल्ड्रेन, हियर व्हाट आई से. वी हैव गॉट टू स्टार्ट रिसाइकलिंग. It's the only way to save this planet for future generations. This name of the game is reclamation. You have got to start recycling. You know it makes sense. You have got to start recycling. Stop sitting on the fence. No more pussyfooting. No more claptrap. Get yourself doing the recycling wrap. Come on and start recycling. Start today by saving old newspapers, not throwing them away. Don't just take them and dump them on the tip. Tie them in a bundle and put them in the skip. तो जहाँ तक हम लोगों ने कल एक पैरा कंप्लीट कर लिया था, आज हमें नेक्स्ट पैरा पे ध्यान देना है. बेटा ये कम ऑन एंड स्टार्ट रिसाइकलिंग, चलो आओ रिसाइकलिंग स्टार्ट करते हैं आज ही से, बाय सेविंग ओल्ड न्यूज़पेपर एंड कैसे ओल्ड न्यूज़पेपर को सेव करके, नॉट थ्रोइंग देम अवे, इनको ना फेंक करके. डोंट जस्ट टेक देम एंड डंप देम ऑन द टेप. मतलब इसको आपको फेंकना नहीं है, बस इसको लेना है और एक तरीके से इनफॉर्मल तरीके से गार्बेज डंप पर रख देना है. ठीक है, टाई देम इन अ बंडल, और इनको तहा कर एक बंडल में कर लीजिए. एंड पुट देम इन द स्किप, और एक लार्ज कंटेनर में आप इसको रख दीजिए. ठीक है, मतलब स्किप मीन्स होता है लार्ज कंटेनर. इसको लार्ज कंटेनर में आप बंडल बना करके इसको कैसे, आप इसमें ये सिखाया गया कि आप रिसाइकलिंग न्यूज़पेपर्स की कैसे करोगे, तो उनको फेंकिएगा नहीं और उनको एक बंडल बना करके एक लार्ज कंटेनर में सेव कर दीजिए. गेट कलेक्टिंग प्रोटेक्टिंग द फ्यूचर्स अप टू यू. सेव ऑल योर ओल्ड ग्लास बॉटल्स एंड योर जैम जार टू. Take them to bottle bank, then at the factory the glass can be recycled. Saving energy. बेटा जैसे अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा वो मेरे दिमाग से मिस हो गया, मैं आपको फिर से बताऊँ. जो आपको न्यूज़पेपर आप सेव करते हो वो एक बहुत बड़ा कंटेनर की तरह से, एक लार्ज कंटेनर की तरह से वो सारी चीज़ें रीयूज़ की जा सकती हैं. यहाँ ये करने का तरीका था कि जब बहुत सारे न्यूज़पेपर हो जाएंगे तो उसको कलेक्ट करके एक जगह बड़ा सा कंटेनर भी बन सकता है, जैसे एक तरीके से आप बोलो गत्ता भी बनाया जा सकता है. ठीक है, गेट कलेक्टिंग प्रोटेक्टिंग द फ्यूचर्स अप टू यू. और इस तरीके से आप फ्यूचर को अपने कलेक्ट और प्रोटेक्ट कर सकते हो. सेव ऑल ओल्ड ग्लास बॉटल्स एंड योर जैम जार टू. सारे ओल्ड ग्लास बॉटल्स और जो जैम जार वगैरह होते हैं उनको भी सेव करो. टेक देम टू द बॉटल बैंक, और इनको आप बॉटल बैंक को दो. देन एट द फैक्ट्री द ग्लास कैन बी रिसाइकल्ड, सेविंग एनर्जी. और ये सारे ग्लासेस को रिसाइकल करके एनर्जी सेविंग कर सकते हो. मतलब इसमें आपको ये पूरा पूरा ये दिखाया गया है कि इनको बॉटल बैंक
वाटर बैंक बनाओ और इसको फैक्ट्री में दो, इसका भी रीयूज करो। हर चीज़ का इसमें आपको रीयूज सिखाया जा रहा है बेटा। रिसाइकलिंग करना एक बहुत अच्छी क्वालिटी होती है और इससे हमारे आने वाली जनरेशन को बहुत फ़ायदा होने वाला है। इट इज़ वेरी बेनिफिचुअल। ओके, सो आज हम लोगों ने इतना ही किया है, इसके बाद अब कल पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फर्स्ट यू मस्ट मेंशन योर नेम इन द कमेंट सेक्शन एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू। वन मोर थिंग, आज आपका वर्क इतना ही है कि जितना आज हम लोगों ने पढ़ा है उसकी एक ऑडियो बनानी है। अभी हम लोगों ने कल ऑडियो बनाई थी रिसाइकलिंग रैप तक, और आज आपको ऑडियो यहाँ से बनानी है कम ऑन से लेकर के सेविंग एनर्जी तक, और बनाकर भेज देनी है। ओके बच्चों, ये आपका होमवर्क है, इसकी एक ऑडियो बना करके आप मेरे को ग्रुप में सेंड कर दो। बाय।